नमस्कार दोस्तों, केकेआर और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच बारिश के चलते 5-5 ओवर का खतरनाक मुकाबला हुआ। तो कौन सी टीम ने इस मुकाबले में बाजी मारी, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप आईपीएल 2024 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 बेहद ही रोमांचक हो चुका है, जहां केकेआर की टीम ने तो सबसे पहले आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है, और वहीं राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग और वहीं आरसीबी की टीम प्लेऑफ में जाने की रेस में दौड़ रही है। और आज केकेआर और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच मुकाबला खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते यह मुकाबला अपने समय पर शुरू नहीं हो पाया और अंपायर्स ने पहले तो इस मुकाबले को 9:30 पर करवाने का फैसला लिया, लेकिन मैदान में फिर से तेज बारिश होने लग गई, जिस वजह से अंपायर्स ने फिर से 10:30 पर दूसरा बड़ा फैसला लिया, जहां पर इस मुकाबले को 5-5 ओवर का कर दिया गया। लेकिन 10:30 पर भी बारिश नहीं रुकी और फिर उसके थोड़ी देर बाद अंपायर्स ने इस मुकाबले को लेकर बड़ा फैसला लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अंपायर्स ने मैदान ज्यादा गीला होने की वजह से और समय निकलने की वजह से इस मुकाबले को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब यह मुकाबला ना तो कल खेला जाएगा और ना ही आगे खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले में केकेआर की टीम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और वहीं गुजरात टाइटंस की टीम पूरी तरह से आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है। हालांकि और किसी भी टीम को इस मुकाबले के रद्द होने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और अगर आने वाले मुकाबलों में बारिश होती है और कोई भी मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है तो प्लेऑफ में जाने वाली टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए आप अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।